ये वही है कि कुछ फिल्म्स हैं वो बनाते टाइम अलग महसूस होती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो 2 या 3 महीने के बाद और ज़्यादा जोर की लगती हैं, ये उन फिल्मों में से है। ये मैं खुद भी देखता हूँ, मैंने 3 महीने बाद देखी है, इसका फर्स्ट कैलिफोर्निया प्रीमियर हुआ था नवंबर में, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम इंडिया में चल रही है फिल्म। आज हमारे समक्ष हैं सुनील कपूर जी, जो जिनको आपने फिल्म में देखा, जो कि ग्रेट ग्रैंडसन है ऑफ लाला वासुमल कपूर जी, उनकी पूरी फैमिली आज हमारे समक्ष प्रस्तुत है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। सुनील कपूर साहब, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज सर, कैन वी हैव द नेक्स्ट जनरेशन आल्सो ऑन स्टेज? I don't know, this is history. ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। बुक्स में पैराग्राफ आप घटते जा रहे हैं। मैंने खुद ने रिसर्च किया एंड देन आई सॉ सम CBSE की बुक्स निकाली, अब एक पैराग्राफ आता है और उसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस और कॉमर्स पढ़ने लग जाते हैं, हम भूल जाते हैं। फिर एक 100 सालों के बाद एक अच्छी एक बॉलीवुड फिल्म आती है जो 100, 150, 200 करोड़ कर जाती है, और देन वी स्टार्ट बिलीविंग दैट इज हिस्ट्री। दिस इज द रियल अनकट, अभी तक का अनस्पोकन ट्रूथ, फर्स्ट वर्जन नैरेटिव्स फ्रॉम द फैमिलीज देमसेल्व्स। मैंने कुछ नहीं काटा है, मेरे पास इससे भी बहुत ज़्यादा फुटेज है, दिखाने बैठूं एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनका दर्द कहीं नहीं जाएगा। ओवर टू सुनील कपूर। सत श्री अकाल सारे, मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ जसवी शर्मा जी का, जिन्होंने इन्नी अच्छे जड़ा इसनों प्रस्तुत किया, लिखिया या इनू डायरैक्ट किया, मैं उसके लिए इन्हों बहुत बहुत बधाई देना। मैं कुछ अपने जेडे परदादी जी जी मेरी कहानियाँ अज भी गूंजती, जिस तरह शहीद ऊधम सिंह उस वाकया देखा सी, तो वो भी 21 साल जोड़े उन्हें गुजारे से वो हर रात सौंदा नहीं सी, उवें अज भी मेरे कन्ना दे विच मेरी परदादी जी उ कहानियां जड़िया वो विसाखी जो भी आती है वो साढ़े लिए काली विसाखी तो खूनी विसाखी आती है, वो अज भी मैं उन्होंने कहानियां जड़िया वो कन्ना च गूंजदियां है कि जिमें वह दसते भी जिमें मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर लाला वासुमल जी वो फंडिंग करते फ्रीडम स्ट्रगल के उन्होंने जोड़ा योगदान से फंडिंग का सी, उन्होंने लाला जी को काम दिता गया फंडिंग कर दी सानू यही योगदान है। लेकिन जिमें कि ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जिहड़ी है मूवमेंट सी उस जलियांवाला बाग के साके के जो उन्होंने भी ये होया तो उन्होंने भी 2 गोलियां लगियां सी, ते कर कह के गए सी कि मेरी परदादी ने कि अज गोली कांड होगा और उत्थे गोली चलन के पूरे आसार ने, क्योंकि वो जिहड़ा जलियांवाला बाग का साका है ये मैं तुहानू वो 2 चीज़ां दसदा जिहदे लई ये साका वाकई होया। क्यों होया कि इहदा रीज़न की सी ब्रिटिश सरकार के विच कि शायद साढ़े बजुर्गों को पता होगा कि पहले हिंदू घड़ा तो एक मुसलमान पानी के घड़े होंगे सी, वो 2 रखे जाते कि जो कोई भी किसी भी प्लेस से पब्लिक प्लेस से जाते तो हिंदू हिंदू घड़े पानी चो पीता से मुसलमान मुसलमान घड़े चो पानी पीते, आवाज़ देते कि हिंदू वाला हिंदू पानी उतो पीता। ये जड़ा साका घटन तो पहला जी 9 अप्रैल जो रामनौमी का दिन से उस दिन 2 वाकया होए, एक तो ये दोवें घड़ियां नूं तोड़ के जड़े उत्थे बशीर मुहम्मद साहब से उन्होंने कहा कि जे जंग असी आज़ादी लैनी है तो आओ पहले ये दोवें घड़े पानी दे तोड़िए तो एक घड़े च पानी पीए तो ही अगर आज़ादी की मूवमेंट नूं अगे लैके जा सकदे। दूसरा कि रामनौमी वाले दिन वो कहिंदे सी कि भी जिहड़े मुसलमान सी वो जय श्री राम दे नारे ला रहे सी, जिहड़ा हिंदू सी वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा सी, ये थोड़ा जिहड़ा मैसेज सी अडवायर नूं जदों कहा गवर्नर नूं, उस तो बाद ही ये जनरल डायर ने अपनी जिहड़ी कंपनी ब्रिगेड इत्थे भेजी ते तां ही एडा वड्डा साका हो सकिया। ये 2 मेन रीज़न दसदे सी मेरी परदादी जिहड़े अज भी मेरे कन्नां च गूंजदी हो, मेरे रौंगटे आप खड़े हो गए ने। और दूसरा कि वो खुद आप 3 साल वो दसदे, मैं लाहौर की हेयरिंग भी उन्होंने हंटर कमीशन की देखी है, और ईवन कि जिहड़ी ब्रिटिश सरकार सी 5,000 रुपये सानू उस टाइम पर कंपनसेशन दिंदी सी, बट क्योंकि साडा परिवार जिहड़ा सी कि उस टाइम पर भी बहुत रिच परिवार सी, उस करके उन्होंने इनू गोली का पैसा, जिस तरह कि उन्होंने जिहड़ी उन्होंने वर्ड्स कहे सी कि गोली का पैसा नहीं लेना सी आजादी लैनी,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਰਨ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਘੜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਘੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Can I also have Hardeep Singh on stage? Hardeep, a big round of applause for him. मेरे जेडे ग्रैंडफादर उन्होंने वे ब्रदर उ शहीद हुए थे सुंदर सिंह जी सुंदर सिंह का जिक्र हुआ था जी सुंदर सिंह जी मूवी के मेरे ताया जी ने वो उन्होंने बारे दस रहे थे ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਮੇਰੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। Thank you very much, Jasmine. So, you know, you can see these are the films we would like to bring and documenting our history and preserving it for future generations. These stories have not been told, and our intent is to go find, locate these stories. And sometimes if you have ideas, you can reach out to Ajaswi. We can fund those stories to make them into films. Thank you. And I also have Gurpreet Badhaich on stage. Do we have Mukesh Sharma ji here? Azam Kapoor, ladies and gentlemen, he is the fifth generation now. Paramjit Kapoor, their family still follows the tradition of white chura. Inke ab Jallianwala massacre ke baad jo hamari shaadi ke rituals hote hain, dekhiye ek koi cheez kisi ki life mein puri life hi badal deti hai, pure riti rivaaj hi badal jaate hain kabhi to. Royal Kapoor, ladies and gentlemen, Royal Kapoor. और कि हम लोगों ने जो ये नाम आपने जैसे सुने हैं कि अजान कपूर एंड रॉयल कपूर, माय नेम इज सुनील कपूर एंड माय वाइफ इज परमजीत, ऑल आर विद तो चारों धर्म के नाम है। ये मैसेज देना चाहते थे कि किसी को